कैसे रेप हुआ, उनके रेपिस्ट को मार दिया गया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जिस तरीके से इनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं मिलते, लेकिन इनका इनकाउंटर हो गया अभी आसाराम वगैरह और भी कई तरीके के बाबा संत हैं जिन्होंने रेप किए हुए, उनके खिलाफ प्रूफ मिले हुए हैं, वीडियो वायरल हुए हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। इसी तरीके से सरकार सपोर्ट कर रही है इन लोगों को रेपिस्टों के खिलाफ। आसाराम चिमनियानंद का एनकाउंटर कब, ये सवाल उठाया है बरेली में भीम आर्मी एकता मिशन के जिला अध्यक्ष अजय प्रधान ने। बरेली में आज अजय प्रधान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गवर्नर को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मोदी योगी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों का खुला उत्पीड़न कर रही है। उनका कहना है कि हैदराबाद घटना के आरोपियों को जुर्म साबित होने से पहले ही पुलिस ने मार दिया, जबकि आसाराम चिमनियानंद सेंगर के खिलाफ सबूत होते हुए भी आज तक सजा क्यों नहीं दी गई? आपका क्या नाम है? गुरजीत सिंह वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी। किस मांग को लेकर आप आए हो ज्ञापन में? हम शासन प्रशासन के विरोध में खड़े हुए इस समय पे, क्योंकि जैसे अब सरकार ने देख लीजिए प्रियंका रेड्डी जी का ऐसे रेप हुआ, उनके रेपिस्ट को मार दिया गया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जिस तरीके से इनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं मिलते, लेकिन इनका इनकाउंटर हो गया अभी आसाराम वगैरह और भी कई तरीके के बाबा संत हैं जिन्होंने रेप किए हुए, उनके खिलाफ प्रूफ मिले हुए हैं, वीडियो वायरल हुए हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। इसी तरीके से सरकार सपोर्ट कर रही है इन लोगों को रेपिस्टों के खिलाफ। अब इनके इन्हें इतना सपोर्ट कर रही है इस हिसाब से, और इन लोगों का बल बढ़ रहा है जितने रेपिस्ट हैं, तो इस हिसाब से इन लोगों को अगर सजा मिलेगी तो और जो रेप करने वाले लोग हैं ना, इन्हें डर बैठेगा इनके अंदर, उस तरह से रेप रुकेंगे। तो सरकार से हमारे विनती है कि कार्रवाई जल्द से जल्द के करे, वरना अब हम लोगों को अभी ज़्यादा संख्या में नहीं आए हुए, कम संख्या में आए हुए, ज़्यादा संख्या में भी आएंगे और तगड़ा आक्रोश और आंदोलन होगा फिर इस बात पर। सुषमा, आपने वो ज्ञापन दिया है? हमने ये ज्ञापन दिया है महिला उत्पीड़न के विषय में। आजकल आपको देखने को मिलेगा कि जो अपनी उत्तर प्रदेश सरकार है ये दोहरी नीति से काम कर रही है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी महिला पर प्रचार होता है और वो महिला का स्वर्ण की हो तो उसकी जो सुरक्षा के माध्यम देखा जाता है, सुरक्षा तो किसी को नहीं मिल रही है, मगर उनके अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाता है। और जहां अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जातियों पर अत्याचार होता है तो उनके अपराधियों की कहीं से कहीं तक कोई सुनवाइयाँ नहीं हो रही, कोई अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है। इस विषय में ये ज्ञापन दिया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा को मुहैया कराई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कराई जाए, ताकि जो इस समय घटनाएं आपको देखने को मिली होंगी, उन्याम हत्याकांड हो गया और प्रतापगढ़ हत्याकांड हो गया और आपका कौन सा हैदराबाद हत्याकांड हो गया, ये मतलब ये बहुत ही ज़्यादा घृणित हत्याकांड है जिसमें सरकार बिल्कुल नाकाम दिखाई पड़ रही है। जो सुरक्षा करने की बात चल रही है, सुरक्षा